दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम। आज बात करेंगे तरबूज का। सबसे पहले ओखला मंडी में आज जानते हैं तरबूज का क्या बाज़ार है। ये हमारे सामने में जो दिख रहे हैं ये तरबूज के व्यापारी हैं, इन्हीं से जानते हैं आज तरबूज का क्या बाज़ार है, पीछे कितनी गाड़ी आई है, क्या आवक है, क्या तेज़ी है, क्या मंदी है, कहाँ का माल है। भाई साहब से जानिए। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। ये तरबूज बेंगलोर से आ रहा है। अच्छा। और इस टाइम महंगा वहाँ से भर रहा है, यहाँ से मंदा बिक रहा है। अच्छा। हाँ जी, मंदा बिक रहा है। और वहाँ से तरबूज आता है तो छोटे बड़े होते हैं, तो छोटा दूसरी रेट में बिकता है, बड़ा दूसरी रेट में बिकता है। पीछे से महंगा मिल रहा है, यहाँ मंदा बिक रहा है। अभी यूपी वाला चलने वाला है, तो यूपी वाला अभी अगले हफ्ते से चल जाएगा, तो वो मंदा रहेगा। क्या है तो आज का बाजार, अपना इस तरबूज का बाजार? आज का बाजार यहाँ का 19 रुपये का है। एक नंबर का जो होता है, और जो थोड़ा दो नंबर का होता है वो 15 रुपये किलो का है। हाँ जी। अगर किसी भी भाइयों को संपर्क करना हो आपसे, हाँ जी, आप अपना दुकान का नंबर, मोबाइल नंबर बताइए। हमारी दुकान का नंबर है 50, मोबाइल नंबर है 99 84 75 73 95। अच्छा अच्छा। इस बार तरबूज की पैदावार पीछे लगता है बेंगलोर में ज़्यादा हुई है क्या? हाँ जी, इस बार बहुत ज़्यादा हुई है तरबूज की पैदावार। लोकल माल अभी नहीं आ रहा है? लोकल अभी नहीं आ रहा, अगले हफ्ते से लोकल चालू हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। नमस्कार भाई। दोस्तों अगर तरबूज में ख़रीदारी करना हो तो भाई साहब से डायरेक्टली आप आइए, मिलिए, ओखला मंडी में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों अब बात करेंगे सेब की। ये जो दिख रही है ये ईरान वाली सेब आई है अपने मंडियों में। इसका जो रेट है वो 900 रुपये का पेटी है। और ये जो पीछे है ये अपना शिमले वाली सेब है, इसका जो पेटी है वो 1800 रुपये का पेटी है। भाई साहब पेटी का वज़न क्या रहा है? भाई साहब पेटी में वज़न है 23 किलो। 23 किलो है शिमले का। और ईरान का क्या वज़न है भाई? 10 किलो वज़न। ईरान का है 10 किलो। 10 किलो का कीमत 900 रुपया ईरान का सेब का। और आप बात करेंगे अगर किसी भी भाइयों को ख़रीदारी करना हो तो ओखला मंडी में डायरेक्टली इन भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। और दुकान नंबर कितना है भाई साहब? दुकान नंबर 50 है भाई साहब का। दोस्तों आप बात करेंगे मौसमी का। आज का बाज़ार क्या है, क्या पोजीशन है, ये भाई साहब बता रहे हैं। हाँ जी, अब मौसमी का क्या बाजार है? भौजी मौसमी पहले 60 रुपये थी, अब 48 से 50 रुपये पे आ गई है। दोस्तों आज मौसमी का बाज़ार जो है 48 से 50 रुपये किलो का बाज़ार है होलसेल पे ओखला मंडी में। जिन भाइयों को संपर्क करना हो जरा भाई अपना नंबर बता दो। सर हमारा नंबर है 9997511360। अच्छा। शॉप नंबर 244 ओखला मंडी। ठीक है भाई। ये थे भाई, इनके पास मौसमी है होलसेल में 48 से 50 रुपये किलो का। दोस्तों अब बात करेंगे खरबूजे का। जो खरबूजे का आज का बाज़ार है वो 600 रुपये का कट्टे है। कट्टे का वज़न कितना आ रहा है भाई साहब? कट्टे का वज़न क्या आ रहा है? 18 से 19 किलो का वज़न आ रहा है। ये रहा माल, पीछे राजस्थान वाली माल है ये। किन्हीं भी भाइयों को ख़रीदारी करना हो ओखला मंडी में इन भाई से संपर्क कर सकते हैं। दुकान नंबर कितना है भाई साहब? ये दुकान नंबर 50। दोस्तों अब बात करेंगे आम का। सबसे पहले आपको आम की क्वालिटी दिखा देना चाहता हूँ। चाचा के पास सरधा भी है, पेरी भी है, पेरी के अलावा कौन सा आम है, हमाम भी है क्या? आज हमाम भी है। अल्फांसो लाते हैं क्या आप? अल्फांसो भी है। जानिए आज आम का क्या बाज़ार है चाचा से ही। चाचा जी नमस्कार। हाँ जी बताइए। हाँ कौन सा आम चाहिए? आम बताइए ना सर, आम का क्या है इसका, सफ़ेदा का क्या बाज़ार? सफ़ेदा भाजी 800 से लेकर 9000 रुपये तक की पेटी है। और अल्फांसो का? अल्फांसो 1100-1200 रुपये की पेटी है, 12 पीस की। और पैरी? पैरी 1900। अच्छा, पेटी वजन सब का क्या आ रहा है? पैरी का 6-6.5 किलो, सफ़ेदे का 6.5 किलो, अल्फांसो का 3-3.5 किलो होता है। ठीक है चाचा जी, एक बार नंबर फिर से बता दीजिए। 9540820921। ठीक है चाचा जी, धन्यवाद। ये थे जिन्होंने हमें आम का पोजीशन बताया, अब जानते हैं दूसरे फलों का पोजीशन। दोस्तों आप बात करेंगे
पपीते का, पपीते का बात करेंगे। सबसे पहले आपको पपीता दिखा देना चाहता हूँ। आज पपीते के मंडी में लगता है भीड़ ज़्यादा है, बिजी हैं। आज जानते हैं पहले पपीते का क्या बाज़ार है। भाई साहब से जानते हैं आज पपीते का क्या बाज़ार है। पपीते का बाज़ार थोड़ा हल्का हो गया है पहले के मुकाबले। पहले 40 रुपये रेट था, 30 रुपये हो गया है। अच्छा, गाड़ी का पका हुआ है? हाँ हाँ, ये गाड़ी का पका है। अच्छा, छटका का क्या है? ये इसका क्या रेट है? गाड़ी का पक्का 35 और ये है। अच्छा अच्छा, और ये अटवा भाई, ये कच्चा है, ये परसों पकेगा। अच्छा अच्छा, केमिकल से पकाते हैं आप लोग कि नॉर्मल पकता है? ये केमिकल से पकाते हैं, केमिकल की पुड़िया उठा के दिखाओ। अच्छा, बोलते हैं केमिकल चाइना, इससे पकता है ये मान के। ठीक है भाई साहब, तुम लोग कुछ बोलना चाहोगे? तो दोस्तों, ये था पपीते का पोजीशन पपीते का है, वो 30 से 40 रुपये किलो का बाज़ार है होलसेल में, बढ़िया क्वालिटी के पपीते का। ओखला मंडी, शॉप नंबर 4849। तो दोस्तों, ये अब तक का मंडी का हाल था। आप जानते हैं दूसरे फलों का क्या बाज़ार है, आपको दिखाते हैं फिर बात कराते हैं। आज मंडी में जो है तरबूज की गाड़ियां बहुत ज़्यादा है, 15 से 20 गाड़ी तरबूज की आई हुई है। अभी रमज़ान के वजह से तरबूजे और खरबूजे का जो माल है वो ज़्यादा आ रहा है, और सस्ता होने के वजह से लोग इसकी ख़रीदारी भी ज़्यादा कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे खरबूजे का। भाई साहब से जानते हैं आज खरबूजे का क्या बाज़ार है, क्या पोजीशन है। सबसे पहले भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी सबको, बताइए आज क्या बाज़ार है। आज खरबूजे का बाज़ार है 19 किलो 550 रुपये का, थोक आड़त का भाव है ओखला मंडी, शॉप नंबर 50। और जो सेकंड है उसका भाव है 300 रुपये का 20 किलो। इसमें कितने क्वालिटी आती है? इसमें 3-4 क्वालिटी आती है। एक फटा टूटा आता है वो तो और सस्ता बिकता है 150 रुपये का, वो सारी 15 रुपये किलो का बिकता है। ये खरबूजे के भाव हैं आज के। अगर किसी को चाहिए हो तो ओखला सब्जी मंडी आओ, थोक वाले दुकान नंबर? थोक के नहीं है, शॉप नंबर 50 ओखला सब्जी मंडी। ठीक है भाई साहब, अपना नाम भी बता दीजिए। हमारा नाम है मोहम्मद नईम कुरैशी। ठीक है दोस्तों, कभी भी आपको खरबूजे की खरीदारी करना हो तो कुरैशी जी से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं और ख़रीदारी कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, ये था आज का बाज़ार। आप भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।